Chief of the Fund Attorney. Aubilla Municipal Working Schooler Partner Party. Jai Yohan Latinan, Kuti Bhadi, Kuya Mutana, Kuti Bhadi, Latina, Kuti Bhadi, Kuti Bhadi. For the love of God, help me. Yeh Makan, Aayu, Rukh, Guru. हफ्ते आश्रय के बाद इंशाअल्लाह मान मुबारक शुरू होने वाला है। आज की मजलिस में ये मान मुबारक की अहमियत, इसको किन कामों के जरिए से आगाज किया जाए, इस महीने में किन कामों को करने से बचा जाए, उसके मुताबिक चंद बातें आपसे करनी। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस महीने की अहमियत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो चांद देखने के बाद एहतमाम से दुआ फरमाते, अल्लाहुम्म बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। रजब और शाबान के महीने में बरकत अदा करना, जिंदगी अदा करना, हयात अदा करना और हमें रमजान तक पहुंचा दे। इस वो नियामत जिस नियामत को हासिल करने के लिए अल्लाह का रसूल अल्लाह से दुआ करे और दुआ में खास तौर पर उस नियामत को मांगे, यकीनन की कितनी बड़ी चीज होगी। अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत की बेशुमार नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद इस रमजान की अहमियत का आलम यह है कि अभी मुकम्मल दो महीने बाकी हैं और रजब का चांद देखकर अब एहतमाम से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें रमजान का महीना मिल जाए। आपको रमजान कौन सी चीज है, कौन सा महीना है, क्या हैसियत है कि अल्लाह के रसूल ऐसी तरफ फरमा रहे हैं, ऐसा सवाल कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। मेरे आजीज भाइयों, रमजान का महीना इंसान का अपने आप को खुदा से लव लगाने का, खुदा की मार्फत को हासिल करने का, खुदा से ताल्लुक को सवाल करने का महीना है। 11 महीनों तक हम अपनी मशगूली में और अपने कामकाज में या अल्लाह की नाफरमानी में 11 महीने हम गुजार करते हैं, जिसकी वजह से एक बंदे का अपने रब से जो ताल्लुक होना चाहिए उसको ताल्लुक में कमी आती है। उस कमी को पूर करने के लिए, उस कमी को खत्म करने के लिए और उस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए आदमी रमजान के महीने की मदद करे। इसीलिए तरफ में से बात हजरात के बारे में ये मंजूर है कि वो ये दुआ करते थे, वो तमन्ना करते थे, एहसास पूरा साल रमजान हो जाए। क्या मतलब, बाजार में रात की करारी है, रमजान का रोजा है, गर्मी का जमाना है, सर्दी का जमाना है, बदर का जमाना है, इसके बावजूद वो दुआ करते हैं पूरा साल रमजान हो जाए। मानवा रमजान अपने अंदर बहुत सी खूबियां रखता है और सबसे बड़ी खूबी यही है कि रमजान इंसान के कल्बती सर्विस का और सफाई का महीना है। आदमी गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के अंदर जंग लग जाता है, नए लग जाता है, काट लग जाता है, कपड़ा पहनता है कपड़े गंदे हो जाते हैं, मकान में रहता है आलसी के बाद मकान दूषिता और पुराना हो जाता है या रंग रोगन खत्म हो जाता है।
आदमी मकान का रंगरोगान करता है, कपड़े की धुलाई करता है, ऊपर प्रेस करता है ताकि वो कपड़ा दोबारा अच्छा मालूम हो जाए, अच्छा लग जाए, अच्छा हो जाए। रमजान का ये महीना गुना और शैतान के साथ इख्तिलाफ और मिलने की वजह से दिल पर जो ठाट और जंग लग जाता है, दिल में अल्लाह की जो मोहब्बत है उसमें कमी आ जाती है, अल्लाह के रसूल की जो ताल्लुक है उसमें कमी आ जाती है, इस जंग और ठाट को दूर करने के लिए रमजान का महीना तरबियत का महीना है। मेरे भाई अगर कपड़ा गंदा हो जाए, घर में कपड़ा धोने वाली औरत या कपड़ा धोने वाला मर्द कपड़ा धोए और इसके बाद भी उसका महलूचन लग जाए तो आदमी क्या करता है, धोबी के यहाँ रहता है, लॉन्ड्री में रहता है और धोबी से ताकीद भी करता है, देखो ये धब्बा है ये निकल जाना चाहिए, लॉन्ड्री वालों से ताकीद करता है कि ये धब्बा निकलना चाहिए इसलिए आपको दे रहा हूँ। आप यकीन मानिए आपने जो कपड़ा धोबी को और थर्ड वाले को और इसी तरह लॉन्ड्री वाले को दिया है, अगर उसने कपड़ा दिया और धोने के बाद वापस दिया और कैसे बदला है, लेकिन आपने देखा कि वो कार्ड और वो पेन निकला नहीं है, तो आखिर में आप क्या नतीजे पर पहुंचते हैं? इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब इस कपड़े से ये दाग और ये धब्बा निकलने वाला नहीं है, या तो इसी धब्बे के साथ इस कपड़े को पहना जाए या इस कपड़े को जाहिर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे आजीज भाइयों, गुनाहों की नाहूसत की वजह से दिलों पर जो जंग और मैल और काट कर जाता है, इस काट की सफाई के लिए रमजान का महीना है। रमजान के महीने में की जाने वाली मखसूस इबादत है, आम इबादत है। अगर इस इबादत के जरिए से आदमी उस जंग को खत्म कर देता है, उस मैल कुचैल को दूर कर देता है, तब तो ठीक है। और अगर रमजान ने समाह रमजान के हक को अदा नहीं किया, रमजान को हुजूर नहीं किया, तो काज लगा रहता है। ये काज लगा हुआ दिल फिर अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत हुई है जो मैल उठाए हुए कपड़े की है, या तो उसको इस्तेमाल कर दे या उसको दाय कर दे, अल्लाह ताला उस टूटे फूटे आमल को कबूल कर ले या रद्द कर दे। इसलिए मेरे आदि भाइयों, मेरी माँ बहनों, हम सबसे दरखास्त है कि रमजान जो आने वाला महीना है इसकी अहमियत को पहचाने। सलफ का तो यह हाल था कि रमजान आने से पहले रमजान के वक्त को पारी कर लेते, इतने ऐसे काम हैं जो हम रोजाना करते हैं लेकिन रोजाना करने के बजाय चंद दिन पहले कर ले, रमजान से पहले कर ले ताकि वो काम रमजान में न करने पड़े। इतने ऐसे काम हैं जो रोजाना करने पड़ते हैं लेकिन इसको पीछे किया जा सकता है, रमजान के बाद भी किया जा सकता है, ऐसे कितने काम है ताकि कुछ काम तो रमजान से पहले कर ले, कुछ काम रमजान के बाद कर ले और रमजान के वक्त को खाली कर दे, खाली कर दे। क्यों? ताकि इस महीने में पूरी दिलजमी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ अल्लाह की इबादत करके दिल को साफ कर दे, अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत की जगह इस दिल को बनाए। मेरे आदमी भाई दोस्तों, आदमी किसी काम का इरादा करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, कोशिश करता है, तो बज़ाहिर इब्तिदा में देखने के एतबार से वो काम ऐसा है कि हमसे होना मुश्किल है, हमारा करना बेइम्तियाज हुआ है, कि मुक्ता इरादा कर ले, अल्लाह से मदद मांग ले और अपनी जितनी ताकत है उसको करने में लगा दे, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता
जो काम करने के एतबार से मुश्किल है अल्लाह ताला उससे करवा लेते हैं। बता दें हमारी अपनी बुराइयों की वजह से, हमारे अपने गुनाहों की वजह से, हमारे भक्तों शैतान के साथ मिले रहने की वजह से हमें ये काम मुश्किल नजर आता है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के नबी का इश्क, कुरान की अज़मत, इस्लाम की अज़मत, ये सब हमारे दिल में इस तौर से कैसे आ सकता है। लेकिन मेरे भाई ये शैतानी होगा, मुश्किल नहीं। अल्लाह ने अपनी मार्फत, अपनी मोहब्बत पहले लोगों को अदा फरमाई जिन्होंने इसको हासिल करने में मेहनत की। अब भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो हासिल करना चाहते हैं और कयामत तक ऐसे लोग रहेंगे जो ये चीज हासिल करना चाहे अल्लाह उनको देता है। तुम्हें अपने भाइयों से, अपनी माँ बहनों से बहुत सर्दी के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, पूरी मंजत सबादत के साथ ये कहूँगा कि कम से कम इस रमजान के लिए तो ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह इस रमजान को पूरे तौर पर वुज़ू करना है। जब ये बात आती है तो शैतान कहता है कि माशाअल्लाह हम तो रमजान को वुज़ू करना है और रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी खूब करते हैं। एक तैयारी हम मुसलमानों की है और एक तैयारी अल्लाह के सालिहीन बंदों की है। जो हम मुसलमान जो तैयारी करते हैं वो हम पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे और करते हैं। असल वो तैयारी नहीं है। क्या तैयारी है? हमारी तैयारी ये है कि हम पहले अपने कमरे का इंतजाम कर लेते हैं कि फजर के पास वक्त सोना है या फजर से आकर तक या मगरिब तक सोना है। लिहाजा वो मकान ऐसा चाहिए जिसमें रोशनी नहीं आनी चाहिए, पंखा एसी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, गद्दा तकिया पलंग का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, शोर शबक खटखटाहट नहीं होनी चाहिए। ये हमारी तैयारी है। घर में मस्तूरात जो खाना पकाती है उनकी तैयारी है कि पूरी फहरिस्त और पूरा लिस्ट दे दिया जाता है। रमजान आने वाला है, चुनान से कस्टर्ड चाहिए और समोसा बनाने के लिए पड़ चाहिए, प्याज चाहिए, तेल चाहिए और फालूदा बनाने के लिए ये चीज़ चाहिए और इसी तरीके से शरबत किस किस्म के चाहिए और सुना कितनी सारी नामतें, खजूर है, पानी है और बहुत सारी चीज़ें और पूरे महीने का नहीं चलेगा, 20 दिन का नहीं चलेगा, पूरे महीने का रखेगा। और इसके बाद मस्जिद फरमाई कि रोजा ने इतना इतना फ्रूट भी चाहिए, ठंडा पानी का इंतजाम चाहिए, फ्रीज अगर बिगड़ा हुआ है तो उसको बना दिया जाए या नया ले लिया जाए। और डी फ्रीज ने तो माशाल्लाह हमारा काम ही तमाम कर दिया है। पहले तो महीने की फिक्र थी, अब तो साल भर चले इतना खाने पीने का जमीरा हो जाना चाहिए। ये रमजान की हमारे मार्गदर्शन की तैयारी है। शुरू रमजान आने से पहले तो ये तैयारी है। रमजान का महीना आ गया, इसके बाद आधा महीना गुजरा, इसके बाद अभी इसके कपड़ों की फिक्र है, बच्चे के कपड़े, अपने कपड़े, सिलाई की फिक्र, ये वो। और आखिरी असर आ गया तो ईद की तैयारियाँ। ये हमारे रमजान की तैयारियाँ है। और क्या तैयारी होती है? और तैयारी होती है कुछ बाजार में कुछ सदमा है, कुछ फितरा है, निकाल देना है। बाद में दबा बड़ी गफलत और शर्मिंदगी के साथ हमारे पास सारी ऐसा करते हैं कि वो निजाम बनाते हैं, रमजान का महीना है, पूरे साल की कमाई का महीना है, लिहाजा कहाँ से सरकार मिल सकती है, कहाँ से सस्ता मिल सकता है, कहाँ से कितना मिल सकता है, कहाँ से ये मिल सकता है, उसकी तैयारी। इस दिन कहाँ रहेंगे, दूसरे दिन कहाँ रहेंगे, तीसरे दिन कहाँ जाएंगे, ये मुसलसल निजाम तैयारी है। मेरे भाई एक तैयारी हमारे अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि शाबान के महीने की आखिरी तारीखों में
आप सहाबा इकराम से बड़े अहतमाम से नसीहत फरमाते थे, वाज फरमाते थे, और उस बात में ये ताकीद करते थे कि देखो आने वाला महीना बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा कीमती महीना है। इस महीने के ये फजाइल हैं, इस महीने में कोई आदमी एक फर्ज इबादत करता है 70 फर्ज का सवाब पाता है, नफल इबादत करता है फर्ज के बराबर सवाब पाता है। ये कहना चाहिए कि आने वाला महीना नेकियों के कमाने की सीजन है और गुनाहों के छोड़ने की आदत बनाने का महीना है। रमजान ऐसा महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी बहने इस माह मुबारक के आने पर कुछ नेकियां कुछ इबादत में इजाफा कर लेंगी, लेकिन जहां पर ये महीना नेकियों के करने का है वहां पर गुनाहों के छोड़ने का भी, छोड़ने की आदत डालने का भी है। लिहाजा इसकी तैयारी किस तरह होनी चाहिए? सरफ मैंने बताया एक तैयारी पूरी होती थी कि रमजान के अवकात को फारिग करें। आज नौजवान कहेंगे कौन हमको खूब फारिग करते हैं, पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, इससे बड़ी फरावत क्या है? फरावत का नाम नहीं है, फरावत नाम है अपने अवकात को नेकियों के लिए फारिग करना है, अपने अवकात को बुराओं बुराइयों से बचाने की आदत डालना है। और रमजान महीने की ये बरकत है, आदमी थोड़ी कोशिश करता है ज्यादा इबादत कर लेता है, थोड़ा इरादा कर लेता है, थोड़ी मेहनत कर लेता है, साल भर के आदि गुनाहों से इत्मीनान से बच सकता है। इसीलिए हम देखते हैं के बाद बेचारे को अल्लाह के बंदे तो शराब पीते हैं, जीना करते हैं, जुआ खेलते हैं और इसी तरीके से वो फिल्म के आदि होते हैं। आज भी रमजान का महीना आने पर इन चीजों को छोड़ देते हैं, इरादा करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। मेरे आदमी भाइयों इस माह मुबारक की असल तैयारी दो चीज है। पहली चीज गुनाहों की आदत को छोड़ना, गुनाहों को छोड़ने की आदत बनाना, ये सबसे बड़ा काम ही इस महीने का। लेकिन गुनाह छूटे किस तरह है? हमने रोजे तो खारिज कर लिया, जो काम रमजान के हैं और शाबान में हो सकते हैं शुक्रवार में हो सकते हैं, कुछ शाबान के लिए मुकर्रर करके कुछ शुक्रवार के लिए मुकर्रर करके रोजे तो खारिज कर दिया। इन रोजों को आदमी तीन काम में तकसीम करते हैं कि हमारा रमजान का जो महीना है हम तीन किस्म के काम करेंगे, चौथा काम नहीं होगा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि इस वक्त का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में लगाएंगे। जब आदमी एक अच्छे काम में अपने आप को खपा देता है, लगा देता है, तो इसकी बरकत से बुराइयों से गुनाहों से खुद बहुत बच जाता है। एक आदमी ने नफल नमाज के लिए हाथ उठाया और दो रकात की नीयत बांध ली और दो मिनट में तीन मिनट में पांच मिनट में दो रकात पढ़ लिए ध्यान से, तो एक तो इबादत वजूद में आ गई। इस पांच मिनट की इबादत के वजूद में आने के साथ वो उन पांच मिनट गुनाहों से खुद बहुत बच गया। तो सबसे पहला काम गुनाहों से बचने की आदत डालने के लिए हमारे अवकात को तीन कामों में लगाना है। इसमें पहला काम है ज्यादा से ज्यादा इबादत का इस्तेमाल, दूसरा काम है जरूरत की मकदार आराम सोना। आज मतलब हमारी गलत ये होती है कि रमजान के महीने में इतना सोते हैं जितना आम दिनों में आम 11 महीनों में नहीं सोते। अल्लाह के बंदो रमजान का महीना खाली सोने का नहीं है। शैतान ये कहता है मौसम एक तो हार के हुए तो तू गुना भी बचे, क्या करें इन्हें गुना करें इन्हें जब तक हुई नहीं तो हार बचे, ये भी शैतान करता है। आदमी जरूरत की
मुबारक हुए बाकी वस्त्र में जाके और अपने आप को यदा इबादत का आदि बनाया। 12 महीनों में सिर्फ एक यही महीना है कि जिस महीने में फराइज के अलावा बहुत सारी नकली इबादतें हम कर सकते हैं और करते हैं, बाकी 11 महीने हमारे पास फुर्सत नहीं है। और हमारे पास से क्या मतलब है, आम मुसलमान नहीं, जो दीनदार कहे जाते हैं, नेक साले कहे जाते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं। शायद इसीलिए हमारे असाबिर असलाम में आप देखिए तो पूरा साल पढ़ाते हैं, लेकिन इन इबादत के साथ और बहुत सारी नफली इबादतें जो करनी चाहिए होनी चाहिए नहीं हो सकती, इस एहतमाम के लिए रमजान के महीने की छुट्टी कर दी। लेकिन आजकल हमारे बच्चे ने भी ऐसा समझा है कि छुट्टी का महीना है, नफली इबादतों से भी छुट्टी है। नहीं, नफली इबादतों से छुट्टी नहीं, नफली इबादतों के लिए छुट्टी है। दूसरा काम जरूरत की मकदार आराम करना सोना, और तीसरा काम है अपने जो रोज के जरूरी काम है उन कामों को अदा करना। आदमी ने जरूरत उसको अपने काम खाना है, पीना है, संभाल करना है, सोना है, और कोई घर का काम है, ये सारे काम जरूरत है। खाना पीना इसी भी काम है, पेशाब पाना इसी भी काम है, वो सही भी काम है। तो ये जो दूसरे काम है इन कामों को बदले जरूरत इन कामों को करके पारे होना, ये तीन कामों में अपने आप को मशगूल करना है। जरूरत की मकदार आराम करना है, जरूरत की मकदार अपनी जरूरत को पूरा करने का काम करना है, इसके अलावा जो बाकी सारा वक्त है वो अल्लाह की इबादत में मशगूल करना है। मैं इस मौके पर अपने नौजवान भाई को याद करूंगा, मैं तो पहले ही याद किया कि हमारे नौजवान भाइयों को अल्लाह ने बहुत बड़ी न्यामत दी, लेकिन गलती से दिशा में इस्तेमाल गलत किया। रमजान में हमारे नौजवान आमतौर पर सोता नहीं है, और मैं तो देहात में भी कहता हूँ कि हमारे राजपुर के नौजवान की खसूसियत है कि मेरे ख्याल से 12 से लेकर 42 साल की उम्र के बहुत कम लोग होंगे जो रात को सोते हैं, बाकी अक्सर जागते हैं। फिर कहूंगा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, अगर इस नियामत का सही इस्तेमाल करें। और बहुत जल्दी दिल से कहूंगा इंसान का ये इरादा है कि रमजान में हम निजाम बनाए। हमारे वो उलमा जो हाफिज नहीं है, मैं उलमा से भी दरख्वास्त करूंगा अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में रात में 1-1.5 घंटा हम वक्त करें, और हमारे नौजवान कुरान करीम को सेहत के साथ पढ़ना सीखे। अगर हम पढ़ना भूल गए हैं तो पढ़ना सीखे, और अगर पढ़ना जानते हैं तो सेहत के साथ पढ़े। मैं अपने नौजवान भाई से साथ करूँगा कि आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें कि हमें रात में 1-1.5 घंटा अपने आप को अपने मोहल्लों की मस्जिद में छपाना है, रहना है। क्यों? ताकि हम कुरान सीखेंगे। अगर पढ़ना भूल गए हैं पढ़ना सीखेंगे, अगर पढ़ना याद है सही पढ़ना नहीं जानते सही पढ़ना सीखेंगे। देखो पूरी रात का सौदा नहीं है, 1-1.5 घंटे का सौदा है। मैं बहुत दर्द दिल के साथ आगे करूँ हमारे वो बच्चे जो मसाजिद कुरानिया में पढ़कर खड़े हो रहे हैं, न इनका मदारिस के ताल्लुक रहा, न इनका दावतुल मजलिस के ताल्लुक रहा, और न साल भर इशारे तिलावत कर सके। हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में और आलम में बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो कुरान करीम पढ़ना ही भूल गए हैं। आज मरतबा नौजवान से मुलाकात होती है और वो हरकत से पूछते हैं, बेटे रमजान में कुरान की पढ़ते तो कुरान की आवाज पूरी है। और याद रखिए आपको टूटा टूटा कच्चा पक्का जैसा भी आता है आप रोजाना पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो कच्चा है वो पक्का हो जाएगा। जो आहिस्ता पढ़ने की आदत है सुस्त रफ्तारी वो तेज रफ्तारी से बदल जाए। ज्यादा अजीज नौजवानों से भाइयों से मावेनों से दरखास्त है कि रमजान की बहुत सी मरतबा हमने जो तैयारी की है इन तैयारी में कुछ तब्दील कर लें, और खास तौर पर ये तीन किस्म की तैयारी अपने
अपने आप को गुनाहों की छोड़ने की आदत में डालना है और उसका तरीका है अपने आप को इबादत में मशगूल करें और अपने आप को जरूरी काम में मशगूल करें, गैर जरूरी काम जिसको फौरी करना जरूरी नहीं है या अपने आप को आराम में लगाए। अल्लाह ताला ने अपने फजल से जो बातें कहवाई, अल्लाह ताला शान हम सबको इस